अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नौशीन अशर और आज मैं आपके साथ चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। चपली कबाब बनाने के लिए हम बीफ का कीमा लेंगे 500 ग्राम। इस कीमे के अंदर फैट शामिल नहीं है, इसलिए इसके अंदर मैं घी शामिल कर लूंगी 2 खाने के चम्मच। आप इसके अंदर घी की जगह 100 ग्राम फैट भी शामिल कर सकते हैं। इसको चॉप कर लिया है अच्छे से। प्याज 2 अदद दरमियाने साइज के, इनको चॉप किया। चॉप करने के बाद इनको मलमल के कपड़े में डाल के तो इसका पानी अच्छे से निकाल दिया। 2 अदद टमाटर, इनको चकोर टुकड़ों में काट लिया बिल्कुल बारीक। और ये सब्ज धनिया, इसको भी चॉप कर लिया। मकई का आटा 3 खाने के चम्मच। 2 अदद स्लाइस की हुई सब्ज मिर्चें, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये अदरक का, अदरक को चॉप कर लिया, पेस्ट नहीं बनाना इसका, चॉप कर ले, मोटा मोटा कूट ले। धनिया और ज़ीरा, इन दोनों को भी आप मोटा मोटा कूट लें, इनका पाउडर ना बनाएं। नमक मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सुर्ख मिर्च कुटी हुई, ये 1 चाय का चम्मच लिया है, ये भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी 1/2 चाय का चम्मच, अजवाइन ये ली है 1 चाय का चम्मच, टमाटर के स्लाइसेस लिए हैं 1 अदद अंडा, और फ्राई करने के लिए हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। सबसे पहले हम कीमा डाल लेंगे। इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर, सब्ज़ धनिया, अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, खुश्क धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, अजवाइन और 3 खाने के चम्मच मकई का आटा। एक अंडा शामिल करेंगे और 2 खाने के चम्मच घी इसमें डाल देंगे। अब हमें इन सब चीज़ों को अपने हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन इस प्रोसेस में 10 मिनट लगेंगे। जिस तरह से हम आटे को गूंथते हैं अच्छे से, इस तरह से हम इसको करेंगे ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए। ये स्टेप ज़रूरी है, अगर आप इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो ये फिर टूटेंगे। तो तकरीबन 7-8 मिनट इसको हम मसलसल मिक्स करेंगे। कीमे को अब अच्छे से मिक्स किया हमने 7-8 मिनट, और अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटों के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रखें, लेकिन इसको ठंडा करना ज़रूरी है कबाब बनाने से पहले। अब हम कबाब फ्राई करेंगे, तो ये आप चाहे फ्राई पैन ले लें या फिर तवा वगैरह ले लें और इसके अंदर ऑयल डाल के गर्म करें। ठंडा पानी ले लेंगे हम, बर्फ़ वाला। इसके अंदर अपने हाथों को 1 सेकंड के लिए
डुबोएंगे इसके अंदर। अब हम कबाब में के लिए लेंगे मिक्सचर और इसका हम पतला सा कबाब बना लेंगे। ये मैंने कबाब बना लिया। अब एक टमाटो स्लाइसेस के ऊपर रख के हल्का सा प्रेस करेंगे। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। अब ये मैं दूसरा बना के इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसकी एक साइड मुकम्मल फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। अब दूसरी साइड से कंप्लीट कुक कर लेंगे इसको। चप्पल कबाब फ्राई हो चुके हैं दोनों साइडों से। अब इसको मैं निकाल लूंगी। इसी तरह से हम बाकी सब कबाब भी बना लेंगे। कबाब बनकर तैयार हैं। अब इनको मैं ट्रे में सेट कर लेती हूँ। चप्पल कबाब बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।